के बाद आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। और उस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण कश्मीर में 16 आतंकियों का वीडियो एक सामने आया और इस वीडियो में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के आतंकी दिख रहे हैं। वीडियो में करीब 16 आतंकी ये दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज 18 इंडिया में आप देख रहे हैं, जहां पर 16 ये आतंकियों का वीडियो जो सामने आया है दक्षिण कश्मीर में। ये 16 आतंकियों का वीडियो सामने आया, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इसमें एक एक कर ये आगे जाते हुए, हाथ हिलाते हुए, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ये आतंकी वीडियो इनकी ये सामने आई है। हिज्ब और लश्कर की ये आतंकियों का वीडियो बताया जा रहा है और ये वीडियो सामने आया जिसमें ना एक दो तीन आतंकी नहीं, 16 आतंकी ऐसे ही एक के बाद एक आते हैं और इस वीडियो में कैमरे में कैद होते जा रहे हैं। हिज्ब और लश्कर के ये आतंकी बताए जा रहे हैं और 16 ये आतंकी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला जुड़ चुके हैं। रिफत, ये वीडियो कब का है? देखा अर्पिता, ये एक नया वीडियो सामने आया है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार मैसिव कार्डन किया था इस पूरे इलाके में और ये कोशिश की थी कि वो लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर पाएं जहां पे ये वीडियो शूट किए जाते हैं और उसके बाद रिलीज किए जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। उस दिन भी सिक्योरिटी फोर्सेज को कोई कामयाबी नहीं मिली, बल्कि शाम को उसी दिन अटैक हुआ फौज पर, एक यहाँ एक हमला किया गया था वहाँ। तो खासतौर से अगर हम इन वीडियोज़ की बात करें, ये लगातार सामने आ रहे हैं। इसका खास मकसद यह है मिलिटेंट्स का कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं और खासतौर से ये जो वीडियो है इसमें लश्कर और हिजबुल के मिलिटेंट जो हैं एक साथ दिख रहे हैं और वो अपनी प्रेजेंस ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक साथ हैं, एक साथ वो सक्रिय हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस तरह की सिचुएशन को डील करना। मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो कल लगातार अटैक्स हुए एक के बाद एक, ये माना जा रहा था कि हिजबुल मुजाहिदीन उसके पीछे और हिजबुल मुजाहिदीन ने ही उसकी क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी और 50,000 रुपए का भी रिवॉर्ड उन्होंने ये रखा था उन लोगों पर जिन्होंने ये कैरी किए अटैक। लेकिन डीजीपी ने एक और खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि जैश मोहम्मद के मिलिटेंट इसके पीछे हैं। तो ऐसे में एक और बड़ा कंसर्न आ गया साउथ कश्मीर में, अगर तीनों मिलिटेंट तंजीमें सक्रिय हो रही हैं, चाहे जैश मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक और बड़ा चैलेंज बन गया है। क्योंकि जैश के जो अटैक्स होते हैं अक्सर वो बहुत ही खतरनाक अटैक्स होते हैं, वो फिदाइन अटैक्स होते हैं और कहीं ना कहीं वो ऐसे अटैक्स करने की कोशिश करते हैं जिससे सिक्योरिटी फोर्स को ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि यहां पर अगर हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, ज्यादा प्रेजेंस उन्हीं मिलिटेंटों की और लोकल मिलिटेंटों की तादाद ज्यादा है और नॉर्थ कश्मीर में अक्सर देखा गया है कि वहां से फॉरेन मिलिटेंट्स आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से, क्योंकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है। साउथ कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक नहीं है, तो वहां से लोकल मिलिटेंसी बढ़ रही है और नॉर्थ कश्मीर में अगर उस पार से घुसपैठ हो रही है और मिलिटेंट आने में कामयाब हो जाए तो फिर ये कहा जा सकता है कि पूरे कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। खासतौर से अगर हम इस वीडियो की बात करें, इसमें भी मिलिटेंट जिस तरीके से आप बता रहे हैं हिज्ब और लश्कर के आतंकी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब वो साथ है, तो ऐसे में जो आतंकी गतिविधियां हैं वो और बढ़ेंगी। रिफत, इस बाबत हमारी सेना कितनी मुस्तैद, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं इनकी जो हरकतें हैं नापाक वो बढ़ती जा रही है। देखिए मैं बताऊं आपको, क्योंकि अक्सर स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं मिलिटेंट और हर बार अलर्ट रहना काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है, काफ़ी जगहों पे ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि अलर्ट रहिए, क्योंकि कल जिस तरह के अटैक्स हुए, पहले ही इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि अटैक होंगे, लेकिन उसके बाद भी अटैक हुए और एक के बाद एक हो गए, कुल मिला के 7 अटैक हो जाते हैं और एक हिज्ब और लश्कर की ये आतंकी एक साथ एक वीडियो को जारी करते हैं, कितना खतरनाक होने वाला है, कितने सचेत रहने की जरूरत? देखिए, ये कोशिश है दहशतगर्दों की एक अपना मोराल ऊंचा करने के लिए, क्योंकि उनके जो कैडर दिन पर दिन मारे जा रहे हैं, एलओसी पे इन्फिल्ट्रेशन ही हो पा रही है, अंदर फौज जो है वो उनके कैडर को दिन ब दिन मार रही है, कुछ दहशतगर्द सरेंडर कर रहे हैं, कुछ पकड़े गए हैं, तो जो दहशतगर्द का कैडर है उनका मोराल बहुत लो है। ऐसे मोराल को अप करने के लिए, उसको हाई करने के लिए इस प्रकार के वीडियो जो है वो पेश किए जा रहे हैं। और जो कल की बात है, कल की बात में हमें थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा कि जो कल 7 हमले हुए एक साथ, उसमें अगर आप देखेंगे गहराई से तो उसमें पाकिस्तान का भी एंगल है। दो तंजीम जो उसमें शामिल हैं वो, जिनका नाम है जैश मोहम्मद और अल उमर मुजाहिदीन, ये पाकिस्तान बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी तूल दे रहा है और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो ना हो पाए, क्योंकि अगर अमरनाथ यात्रा नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। तो ये गड़बड़ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है,
सिक्योरिटी फोर्सेज इस चैलेंज के लिए तैयार हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिक्योरिटी फोर्सेज इस चैलेंज को नाकाम करके रहेंगी। लेकिन अनिल, इस बीच ऐसी भी खबरें आ जाती हैं कि जो आम जनता है वहां पर, वो कई बार इन जो आतंकी उनका समर्थन कर देती है, जिसके कारण भी सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। बिल्कुल, देखिए ये जो शरेआम घूमने के वीडियो वगैरह आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि अभी जो पब्लिक सपोर्ट है उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फौज भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से पब्लिक सपोर्ट को उनसे दूर किया जाए। अभी देखा, हाल ही में एक उन्होंने मुहिम चलाई है कि वहां के साउथ कश्मीर के स्कूली बच्चों को ले जाके रेस्ट ऑफ इंडिया में घुमा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि देश बाकी देश कैसा है। तो कोशिश की जा रही है, वक्त लगता है इन चीजों के अंदर, क्योंकि ये जो लोकल पब्लिक सपोर्ट है इस वक्त हमारे फेवर में नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। उधर कश्मीर में बौखलाए जो आतंकी हैं, वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। आतंकियों की तरफ से 4 घंटे में कुल 7 हमले ये किए गए हैं, जिसमें 13 हमारे जवान जो है वो घायल हुए। सबसे पहले आतंकियों ने त्राल में सीआरपीएफ की 180वीं जो बटालियन थी उसको निशाना बनाया, 10 जवान वहां घायल हुए थे। घायलों में 3 जवानों की हालत बेहद गंभीर है। इसके बाद अवंतीपुरा में 130वीं बटालियन पर ग्रेनेड से उन्होंने हमला किया, पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर हमला किया, वहीं अनंतनाग में भी आतंकियों ने एक रिटायर्ड जज के घर पर हमला किया और जज की सुरक्षा में जो तैनात गार्ड थे उनकी 4 राइफल छीनकर वो वहां से फरार हो गए। सोपोर में भी आतंकियों ने सेना के 22 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया और फिर फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। इसके बाद अनंतनाग में भी सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ, पुलवामा में डीसी दफ्तर पर आतंकियों ने फायरिंग की, पुलवामा में ही पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया। पुलिस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद ने ये हमले कराए। The reports are absolutely okay, things are in control, but yes, incident of grenade lobbing was there on CRPF camp in Tral, and also a rifle grenade was lobbed on a police station during the night. We had 2 minor splinter injuries to 2 constables, and I think 9 CRPF jawans had splinter injuries, but they are out of danger. रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी हो सकते हैं, और हम जो वीडियो देख रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि अब लश्कर और हिजब के आतंकी साथ हो रहे हैं, जैश ए मोहम्मद का भी खतरा मंडरा रहा है, सेना के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा आपको, जिस तरह से अटैक्स आपने गिने उसमें त्राल में भी एक अटैक हुआ, वो शायद आपने नहीं गिना, 42 RR पे, जिसमें 4 सेना के जवान जख्मी हो गए, वो एक ग्रेनेड हमला हुआ। ये एक सीरीज थी अटैक्स की, और ये अटैक्स करने में मिलिटेंट कामयाब हुए और बच निकलने में भी कामयाब हुए। ऐसे में कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए चुनौती है, चुनौतियाँ कम नहीं हुई बल्कि चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, चूँकि DGP ने ये कहा है कि जैश मोहम्मद के मिलिटेंट इस हमले के पीछे हैं। अगर जैश मोहम्मद के मिलिटेंट भी अब साउथ कश्मीर में सक्रिय हो गए हैं, तो फिर ये कहा जा सकता है अब हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के मिलिटेंट एक्टिव हो गए हैं पूरे साउथ कश्मीर में, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, खासतौर से अगर हम जैश मोहम्मद की बात करें, उनकी कोशिश यह रहती है कि वो फिदाइन अटैक करें और ऐसे अटैक करें जिससे सिक्योरिटी फोर्स को ज्यादा नुकसान हो जाए, लेकिन अगर इस तरह की कोशिश में वो कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए मजीद चैलेंज बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बताऊं लश्कर तैयबा की बात करें, अबू दुजाना लगातार एक्टिव है इस पूरे इलाके में, हालांकि वो कई क्रैकडाउन से भाग निकलने में भी कामयाब हो गया है, तो कैसे कहा जा सकता है कि तीनों ये जो ग्रुप हैं, लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन या जैश मोहम्मद, अब अगर ये साउथ कश्मीर में सक्रिय हो गए हैं, अब न सिर्फ साउथ कश्मीर में ये एक सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है बल्कि नॉर्थ कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि उस पार से घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं और सक्रिय हैं लगातार मिलिटेंट नॉर्थ कश्मीर में भी अब और साउथ कश्मीर में भी। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या रणनीति छोटे छोटे ये हम लोग को अंजाम दे रहे हैं और फरार होते दिख रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो सुरक्षा बलों की सख्ती से आतंकी थोड़े से बौखला गए हैं। कल हुए 7 आतंकी हमलों को ऑपरेशन सबजार का नाम दिया है। सबजार भट्ट हिजब का कमांडर था जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। सुरक्षा बल घाटी में तेजी से आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, जिससे जो हताश आतंकी हैं वो तेजी से हमलों को अंजाम भी दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि कमी की वजह से आतंकी हथियारों को लूटकर भाग रहे हैं, उस पर उतर आए हैं, साथ ही पैसे की किल्लत ने आतंकियों को बैंक लूटने को भी मजबूर कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बल आतंकियों के हर हमले को नाकाम कर रहे हैं। तो घाटी में एक के बाद एक आतंकी हमलों के बाद सियासत जो है वो भी गर्मा गई है।
ये बहुत गंभीर मामला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेना और हमारे अर्धसैनिक बल वो इनका मजबूती के साथ में न केवल मुकाबला कर रहे हैं बल्कि ऐसी घटनाएं हो ही ना उसके लिए भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार को भी जगह जगह जाके वो कभी वहां के प्रधानमंत्री से मिलने लगते हैं, कभी उनको हालचाल पूछने के लिए, या तो उस पर भी थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए। पाकिस्तान के लिए मैसेज है, हमारे छोटे छोटे पहलवान अभी तैयार हो रहे हैं। हिंदुस्तान महान देश है और पाकिस्तान को अपने नापाक हरकतों से बाज आना चाहिए। हमारी सेना बहुत मजबूत है और 125 करोड़ का हिंदुस्तान इतना मजबूत है, एक एक मुट्ठी उठा करके भी पाकिस्तान पर डालें तो पाकिस्तान दफन हो सकता है। पाकिस्तान को नापाक हरकतें नहीं करनी चाहिए। एक पड़ोसी देश को जैसे एक सभ्य व्यवहार करना चाहिए, उस तरह से अपनी औकात में अपनी हैसियत में रह करके भारत के साथ एक मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। इस पूरी घटना की पत्रकार और जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी निंदा की। देखिए, इसे तो बड़े गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि ये जो कई सारे हमले जो साउथ कश्मीर में और नॉर्थ में भी एक हुआ है, छुटपुट है वो, पर हुआ है, ये बहुत ही गंभीरता से हमें लेना चाहिए। दूसरी बात कि एक नए आतंकी आउटफिट का पैदा होना हरकतुल मुजाहिदीन साथ साथ, ये चीजें दिखा रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि कश्मीर में जो वायलेंस का सिलसिला है उसे और बढ़ाया जाए। तो इसे हमें बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए और इसका मुकाबला करना पड़ेगा। कि आर्मी को काफी सक्सेस मिल रही है, अभी देखा है कि 3-4 दिन के अंदर काफी मात्रा में आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तो आतंकवादी जो है हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज ये दिखाना चाहती है कि आतंकवादियों का मनोबल कम नहीं हुआ है, इसलिए उनको एनकरेजमेंट दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हों, आर्मी के ऊपर हों, और सिविलियंस जो हैं उनके घरों पर भी हमले हों, इससे कि जो है आतंकवादियों का मनोबल बना रहे। आतंक के 16 चेहरों का नया वीडियो सामने आया।